हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब गोलड़वी रहमतुल्लाह, हजरत ख्वाजा शमसुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के पास पढ़ा करते थे, तदरीस होती थी, ख्वाजा साहबों को बिठा के दरस तसव्वुफ, दरस कुरान, दरस हदीस देते थे। यूं बैठे हैं, गुफ्तगू हो रही है, पढ़ा पढ़ाया जा रहा है। एक बड़े नूरानी चेहरे वाले खूबसूरत बुजुर्ग अंदर आए, बड़ी ताजगी, बड़ा प्यार, बड़ी मिठास उनके आने में। जब वो आए तो हजरत शमसुल आरिफीन उठ के मिले, माथा चूमा, प्यार हुआ। दो तीन मिनट गुफ्तगू हुई तो गुफ्तगू में बड़ी नौरानियत, बड़ी खूबसूरती, बड़ी रानाई, बड़ी ठंडक मिली दोनों बुजुर्गों की मुलाकात से। चंद लम्हों के बाद, थोड़ी देर गुफ्तगू के बाद वो बुजुर्ग उठे, बाहर निकल गए। हजरत शमसुल आरिफीन मुरीदों पर नजर डाली, फरमाने लगे तुम्हें पता है ये कौन था? शागिर्दो जानते हो कौन था? का हुजूर नहीं। फरमाया खिजर अलैहिस्सलाम थे, मुझसे मिलने आते अक्सर, और अभी गली में होंगे, किसी ने मिलना है तो मिल लो। दौड़ के गए सारे लोग मुलाकात करने, भागे गए। पीर मेर अली शाह साहब बैठे, आपने फरमाया मेर अली तुमने नहीं मिलना? कहने लगे हुजूर नहीं। फरमाया क्यों? कहने लगे हुजूर मैं उसे ना मिलूं जिसे खिजर भी मिलने आता है, उसे ना मिलूं जिसे वो मिलने आता है, मैंने क्या करना है उनसे मिलके? आपसे मिलूंगा जिनसे हजरत खिजर भी मिलने आते हैं, जिन्हें तनाम विच इश्क है रचिया, ओना नहीं पज जाना, पाने पावे सोने मिलन हजारा, असा नहीं यार बटाना, जरूरत ही नहीं। ऐसे हसीन महबूब के बाद किसी और जगह नजर जमाने की तबीयत, जरूरत नहीं, तवज्जो नहीं, ख्याल नहीं।